सो हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज नवरात्रों का लास्ट डे है और मेरा फास्ट है। मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट, और टाइम हो रहा है 9 o'clock। मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे कॉलेज भी जाना है। सो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करती हूँ, और इनका आज फास्ट नहीं है तो इनके लिए मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। सो आई विल शेयर विद यू। सो सबसे पहले मैं माता रानी के दर्शन करने आई हुई हूँ, और ये हमने माता रानी को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। पापा ने 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है, और ये जोत जलाई हुई है पापा ने 9 दिन से। सो मैंने पूजा कर ली है, तो अब मैं सबसे पहले अपना फास्ट का बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और धनिया डाल के ऐसे इसका पेस्ट बना लिया था, और मैंने छोटी छोटी इसकी ऐसे टिक्की बना ली थी। और ये मैंने कूटू के आटे को भिगो के रख दिया था पहले, और इसको ऐसे इसमें डाल के और मैंने ये घी में सेक लिए। सो मैंने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको सेका था, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे करोगे तो ये घी अंदर चला जाएगा इसके। सो ऐसे ये गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको इसमें भूनिए, और ये देखिए मेरे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैं पलट दूंगी और ये देखिए ये मैंने अब निकाल लिए हैं। मैंने अपने फास्ट के लिए कूटू के पकौड़े बना लिए थे, फिर मैंने इनके लिए इसी वाली कढ़ाई में पूड़ी बना दी थी, और अब मैं बनाऊंगी पनीर, शाही पनीर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पनीर के क्यूब्स काट के रख लिए थे। अब मैं इनको ऑयल में सेकूंगी 1 मिनट के लिए। मैं इनको सेकूंगी, बहुत ज़्यादा आपको इनको नहीं सेकना है, बस हल्का सा लाइटिश रेड कलर का करना है, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। बस इसी स्टेज पे अब मैं इनको निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें अपनी वेजिटेबल्स में मैंने इसमें डाला है 1 स्मॉल ऑनियन, 1 लार्ज टोमेटो, 2 ग्रीन चिलीज, एंड मैंने थोड़ी सी इसमें अदरक डाली है, और काजू डाले हैं मैंने इसमें 7 से 8। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून नमक, एंड 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब आपको इसको तब तक अच्छे से पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए टोमेटोस। और ये देखिए अब हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं मेरे, और अब मैं अपनी फ्लेम लो कर दूंगी, और अब मैं यहाँ पे डालूंगी शाही पनीर मसाला और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून इसमें शुगर, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है इससे, थोड़ा मीठा मीठा सा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, और मैंने अपनी फ्लेम ऑफ कर दी है गैस की। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, और एक बहुत ही रिच क्रीमी फ्लेवर बनके रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही रिच इसकी क्रीम बनी है। और मैंने यहाँ पे अब लिया है उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब मैंने ये सारा मसाला उसमें निकाल लिया है। एक्चुअली मैंने 1/2 टेबल स्पून ही लिया था, और मैं इसे अच्छे से इसमें चला लूँगी, और थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी जिससे जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी रनिंग हो जाए। अब मैं इसको हल्की हल्की फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाऊंगी। आप अब इसको लो फ्लेम ही रहने दीजिए, और ये देखिए कितना अच्छा सा लुक आया इसका। और इसी स्टेज पे मैं इसमें वो पनीर क्यूब्स भी ऐड कर दूंगी। तो
अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, जिससे जो मसाले हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी मिलाई हुई है। कस्तूरी मेथी से बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा रनिंग ग्रेवी नहीं बनानी है। और अब मैं इसको फिर से 1 मिनट के लिए ढक दूंगी, जिससे सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं। मैं सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए जाना भी होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने इनका लंच भी प्रिपेयर कर दिया था जल्दी जल्दी। सो अब हम लोग निकल गए हैं कॉलेज के लिए। सो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर किया है। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो।